मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एक साथ आ रही है, एक गठबंधन जो है कर रही है, जहां से एक साझा नाम जो है दिया जाएगा। लेकिन इस गठबंधन का नाम क्या होगा, ये आपके भी दिमाग में जरूर सवाल होगा इसे लेकर। और अब इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनडीए यानी बीजेपी और गठबंधन का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के गठबंधन का नाम होगा पीडीए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पीडीए जो है ये नाम रखा गया है एनडीए का मुकाबला करने के लिए 2024 के चुनाव में। अब क्या है पीडीए का फुल फॉर्म, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है, विस्तार से समझिए। तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम सामने आया, इसका नाम पीडीए बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी मुहर नहीं लगाई गई है, लेकिन सूत्रों से बात चली है। सीपीआई के हवाले से विपक्षी गठबंधन का नाम पीडीए सामने आने को लेकर कांग्रेस के उच्च सूत्रों का कहना है कि अब तक नाम तय पर चर्चा नहीं हुई है। सूत्रों ने पीडीए नाम के सुझाव का खंडन भी नहीं किया, हालांकि इसके हिंदी अनुवाद को पेचीदा जरूर बताया। सीपीआई के मुताबिक विपक्षी गठबंधन का नाम पीडीए देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन होगा। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव भी एनडीए के मुकाबले पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन का नारा दे चुके हैं। विपक्षी दलों की अगली बैठक 12 से 14 जुलाई के बीच शिमला में होगी और यह बैठक 2 दिवसीय होगी, जिसमें कई अहम फैसले होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 15 दलों के विपक्षी गठबंधन का नाम पीडीए और संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार का नाम तय किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को लेकर पटना में 23 जून को बैठक हुई है और इस बैठक में कांग्रेस समेत कई दलों ने हिस्सा लिया। विपक्षी दलों की बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षियों की राय अभी तक साफ नहीं हुई है। विपक्ष के कई प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक जो है उसे शुक्रवार को हुई थी, जिसमें साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के मकसद को एक मजबूत मोर्चा बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस बैठक की मेजबानी की। बैठक मुख्यमंत्री आवास के एक अणे मार्ग पर हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और विपक्ष के कई अन्य नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ पटना में 23 जून को इस बैठक के बाद मीडिया के किसी सवाल का जवाब दिए बगैर सारे नेता निकल गए। 15 दलों की बैठक हुई, 14 के नेता मीडिया के सामने आए और अपनी बात कहकर उठ गए। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई थी। देश में भाजपा के खिलाफ सबसे बड़े गठबंधन यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बेटे और कांग्रेस के नंबर वन नेता राहुल गांधी इस बैठक में आए थे। बैठक के बाद नाम की घोषणा नहीं हुई, लेकिन अब वामपंथी नेता डी राजा ने विपक्षी एकता के लिए जुटे दलों के गठबंधन का नया नाम जाहिर किया है। पीडीए के नाम पर शिमला में मुहर लगेगी, ऐसा डी राजा का कहना है। तो 15 में से 14 दल मीडिया के सामने आए थे और उन 14 दलों में ने भी नए नाम की घोषणा नहीं की। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने बताया कि भाजपा विरोधी दलों के शिमला में अगले महीने होने वाली बैठक में देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर मुहर लग जाएगी। बिहार में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद राजा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर देश भर से 23 जून को जुटे दलों ने भाजपा को सत्ता से हटाने का प्रण ले लिया है। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए शिमला में बैठक होगी तो गठबंधन के नए नाम और नए संयोजक की घोषणा कर दी जाएगी। यूपीए की सर्वसेवा है सोनिया, आसान नहीं है विनघट। अब आपको बता दें कि चाणक्य स्कूल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं कि जाहिर तौर पर करीब 1.5 दर्जन दलों को मिलाकर चुनाव लड़ने वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के लिए भंग करने का निर्णय लेना आसान नहीं होगा। ऐसा इसीलिए भी कि उसके चेयरपर्सन सोनिया गांधी है और नए नाम से ऐसा गठबंधन बना तो उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यूपीए के रहते देश स्तर पर एक गठबंधन का सामने आना भी मुश्किल है। जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखिया है और वह नाम को लेकर कोई जिद नहीं ठानेंगे। राजद भी महागठबंधन का अस्तित्व बिहार तक स्वीकार करेगा और इसीलिए यहाँ संकट नहीं है। बिहार में प्रवक्ता भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। विपक्षी एकता के लिए जुटे भाजपा विरोधी दलों ने बैठक के बाद नए नाम की घोषणा नहीं की और अब वामपंथी राष्ट्रीय नेता ने नया नाम बताकर नई बहस छेड़ दी है।
इस बारे में बिहार में राजनीतिक दलों के प्रवक्ता सीधे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र राठौर ने कहा कि देश में यूपीए अस्तित्व में है, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया जी है। उसे खत्म करने या नया गठबंधन बनाने का फैसला राष्ट्रीय स्तर के नेता ही कर सकते हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन के आह्वान पर पटना में बैठक हुई है और बैठक में किसी नए नाम को फाइनल किया जाता तो इसकी जानकारी भी दी जाती और हमारे पास भी इसकी जानकारी होती। अब ऐसे में लोग जो है इस नाम का मजाक भी उड़ा रहे हैं, पीडीए को लेकर जो है पोल्यूटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, तो अलग अलग तरीके की चीजें जो है लिखी जा रही है। पीडीआर नाम को लोग भ्रष्ट नाम भी बता रहे हैं और अपने अपने तरफ से इसे भ्रष्ट नेताओं की बैठक भी बता चुके हैं। एक व्यक्ति ने लिखा कि आज विपक्षी वाले एकता वाले अपना गठबंधन का नाम तय कर लिया, कितना अच्छा दिन उन्होंने चुना है। आज के दिन 1975 में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाया गया था और आज विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम पीडीए मतलब जो है पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। ताज्जुब की बात यह है कि नाम भी ऐसा रखा है जो विपक्षी दलों को बोलने में प्रॉब्लम होगी या विपक्षी दल बोल नहीं पाएंगे। एक और व्यक्ति ने लिखा कि न्यू अलायंस का जन्म हो रहा है जिसका नाम पीडीए रखा है, पोल्यूटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी भ्रष्ट लोकतांत्रिक अलायंस। वहीं आपको बता दें कि रामराव शिंदे ने भी इसे लेकर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि विपक्ष के गठबंधन का नाम तय हो गया। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के गठबंधन के नाम पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए रखा जाएगा। शिमला की बैठक में विपक्ष जो है विपक्षी पीडीए नाम पर मुहर लगा सकते हैं, तो ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। वहीं डॉक्टर अजय आलोक ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और पीडीए करके उन्होंने लिखा है कि परिवार जो है डोमिनेटेड अलायंस, परफेक्ट सोच परफेक्ट नाम, बधाई हो विपक्ष को। वहीं उन्होंने एक और ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट करके भी लिखा है कि गठबंधन में पीडीपी और नाम दे दिया देशभक्त, वैसे पाकिस्तान भक्त दानव अलायंस भी सोच भी अच्छी है। इस अलायंस के लोग तो पाकिस्तान जाके मदद मांग ही चुके हैं मोदी को हटाने के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से जो अजय आलोक जी हैं वो भी इसे ट्वीट करके इनके नाम को ट्रोल कर रहे हैं और इसी तरीके से लोग जो है इस गठबंधन को अलग अलग तरीके के नाम दे रहे हैं। किसी ने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अलायंस भी बता दिया है, तो पोल्यूटेड डेमोक्रेटिक बता दें। आपको जब पीडीए नाम सामने आया था तो कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला का भी इस पर ट्वीट था, जहां पर उन्होंने देखा था कि पीडीए यानी धोखा देने वाली अलायंस। उन्होंने कहा था कि आज तक कोई भी ठेकेदार जो है सामाजिक न्याय नहीं कर पाया पॉलिटिक्स में, और अब ये जो है एनसीबीसी रिपोर्ट की भी बात करें, यानी पीडीए नाम की चर्चा बहुत पहले से चल रही थी और इसे लेकर भी जो है बयान दिया गया। अखिलेश यादव ने भी आपको बता दें कि 17 जून को ये बात कही थी, उन्होंने कहा था लखनऊ में एनडीए के कार्यक्रम में कहा था कि 2024 में पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का गठजोड़ एनडीए को हराएगा। तो ये पीडीए नाम जो है काफी पहले से ही चल रहा था। पीडीए नाम को लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि पीडीए मूल रूप से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के शोषण उत्पीड़न उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना और समान अनुभूति से जन्मी एक ताकत का नाम है, जिसे हर वर्ग के वे सब लोग भी शामिल है जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है, दलगत राजनीति के ऊपर उठकर सब इससे जुड़े। तो आप देखिए किस तरीके से पीडीए नाम जो है ये बहुत पहले से नाम चल रहा था और अब इस नाम को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर भी आ चुकी है कि एनडीए का मुकाबला करने के लिए 2024 में पीडीए का ये गठबंधन जो है सामने आएगा और इस गठबंधन के नाम पर जो मुहर है वो शिमला में होने वाली बैठक जो कि 12 से 14 जुलाई के बीच होने वाली है इस दिन लग जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।